I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट से, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, फाइनल के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सही है, अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप देख लेगा 5-6 साल या 5 ईयर इंशाल्लाह बन जाएगी। अगर आप कहीं लेट देख रहे हैं तो ये पास्ट पेपर के हिस्से जरूर बने होंगे। तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्या कहा गया है, शो डैट का मतलब होता है प्रूव करके दिखाओ क्या कि ये चीज इक्वल है इसके। तो हम क्या करेंगे, बड़ी साइड को पकड़ेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाओ और बोल देंगे प्रूव है। दोनों पार्ट में यही करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूलाज यूज होने वाले हैं वो है ये सम इनटू सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो भाई ये फॉर्मूलाज आपको जरूर याद होने चाहिए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए। चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं जो कि दिया है ये, इसको करना है प्रूव या शो डेट। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, कोस 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा सॉरी 8 डिग्री है, सॉरी थीटा नहीं है भाई, 8 डिग्री है, 8 डिग्री ये दिया मैं, सॉरी ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, टेंजेंट 37 डिग्री, ठीक है, डायरेक्ट एंगल दिया, थीटा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं गलती से बोल रहा था। तो भाई यहाँ पे आके हमने सबसे पहले क्वेश्चन उतारा, हमें पता है ये शो डैट करना है यानी कि एक दूसरे के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक साइड पकड़ेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम जल्दी से पकड़ लेंगे। तो भाई कोस 8 माइनस साइन 8 डिवाइडेड बाय कोस 8 प्लस साइन 8, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो चीज क्या समझने वाली है जरा देखें। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूलाज यूज होंगे सम इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कोस माइनस साइन है। तो जरा देखिए कोस माइनस साइन कहां गया, नहीं भाई कोस माइनस साइन आपको नहीं मिला। इसी तरीके कोस प्लस साइन है, तो जरा देखिए कोस प्लस साइन लिखा हुआ यहाँ पे, देखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सबसे पहले अपना सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेट के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो हम काम करने जा रहे हैं वो यहाँ पे काम करने जा रहे हैं कि कोस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस इसके थीटा के। अब यहां से हम अपना काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। स्टूडेंट, आपको ये वाली बात पता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा दे दे, अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं वो कहां, यहां ये रहा, ये फॉर्मूला याद है ना, हम लोगों ने पहले पढ़े थे। अगर इसको समझ भूल दें, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं ना, एक्सपेंड करूं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो भाई इस चीज को मैं एक्सप्रेस करूं इस फॉर्मूले से, तो ये बताओ किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा कोस थीटा के। समझ है ना इस चीज को, क्या भाई क्या कि यहाँ पे ये काम क्यों कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा, लेकिन फिलहाल आपको ये फॉर्मूला समझ आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। कैसे इक्वल होता है, कि जब मैं को अल्फा माइनस बीटा अगर इस चीज को इधर एक्सप्रेस करूं, इसको खोलूं इस फॉर्मूले से, तो ये इक्वल आएगा कोस थीटा के। तो भाई हमें इसको खोल के नहीं दिखा रहा, ये एक फॉर्मूला, इसको आप याद कर लें, यहाँ पे भी यूज होने वाला है, ठीक है जी। तो अब जरा देखिएगा कैसे हम यहाँ पे करेंगे, कोस 8 डिग्री है ना, तो जरा देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोस 8 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मैं कोस 8 डिग्री यानी कि कोस थीटा टाइप है, तो ये इसको इक्वल कर देंगे साइन 90 माइनस 8 डिग्री। समझ रहे हैं इस चीज को या नहीं समझ रहे, और ये माइनस साइन 8 डिग्री ऊपर ऐसी का ऐसी, ऐसी का ऐसी, ऐसी का ऐसी रहेगा, और नीचे कैसे होगा, कोस 8 है, तो cos 8 जैसे कि cos थीटा इक्वल करेंगे, ये जनरल फॉर्म दी हुई है और ये मेन फॉर्मूले की फॉर्म है, तो ये इक्वल हो जाएगा sin 90 माइनस 8, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा आ गया, यहाँ पे अब 8 है तो इसलिए हम यहाँ पे 8 लगा रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, मेन फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला कैसे आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये क्यों कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमें ये लगाने, और ये वाली फॉर्म जो है डायरेक्ट नहीं लग सकती, ठीक है जी, अपना काम निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है कि हम उसको किसी और तरीके से करें और अपना काम निकाल ले, ठीक है, जो आपकी बुक में बताया हुआ है।
अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल cos 8 को एक्सप्रेस कर दिया, cos 8 को बेसिकली cos थीटा इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा के, तो 8 यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है थीटा को, तो हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है जी, इन द एंड प्लस sin 8 डिग्री दिया हुआ है। ओके बेटा, तो भाई उम्मीद करता हूँ ये जो cos 8 था उसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखिएगा, यहाँ पे मुझे चाहिए कैलकुलेटर की जरूरत, कैलकुलेटर है मेरे पास, ये रहा। तो बेटा यहाँ पे अब जरा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90 माइनस 8, तो 90 माइनस 8 करें तो ये कितना आ गया, 82 आ गया, तो भाई साइन 82 डिग्री माइनस साइन 8 आ गया। फिर डोमिनेटर में आ जाए तो यहाँ पे जरा देखेंगे साइन 82 ही बनेगा, क्योंकि 90 माइनस 8 की ऊपर वाली बिल्कुल चीज है, एंड प्लस साइन 8 हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे मेरे बच्चों ये बताओ कि उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक काम किया था ये, और इसको सिंपलीफाई करते हुए ये चीज आ गई। अब आप अपने फार्मूला लगाएंगे, कौन से फार्मूला, ये वाले फार्मूला। तो अब जरा देखिए साइन माइनस को, साइन माइनस साइन, तो भाई साइन माइनस साइन कहाँ गया, साइन माइनस साइन ये रहा, और को साइन प्लस साइन, तो साइन प्लस साइन ये रहा। तो अब हम जो दो फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, तो जरा जी रेफरेंस दे देते, सबसे पहले साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है जी, सबसे पहले प्लस कर देते हैं, तो ये इक्वल किसके होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, टू साइन अल्फा प्लस बीटा हाफ इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा हाफ। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का रेफरेंस दे देते हैं, ये इक्वल होता है टू कोस अल्फा प्लस बीटा हाफ इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ के, ठीक है जी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का कोस साइन और साइन कोस, तो साइन कोस और ये कोस साइन, ठीक है जी, बिल्कुल सेम है ये दो फार्मूला, देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया है, रेफरेंस दे दिया, इन दो फार्मूला को यूज करते हुए इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा है तो ये टू साइन अल्फा प्लस बीटा हाफ है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 82 है और प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 8 है, ये 2 से डिवाइड किया इनटू कोस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 82 है और माइनस बीटा करना है 8 और डिवाइड में आ गया 2। बेसिक बड़े आसान तरीके से कर लिया, जिस तरह हम करते आए हैं बचपन से। ओहो बच्चे मसला हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है साइन माइनस साइन माइनस साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या है 2 कोस है, ये कोस है, ठीक है जी, ये कोस है और ये साइन है, ठीक है जी, साइन है, अब सही हो गया। अब इसी तरीके से नीचे क्या है, साइन प्लस साइन है, तो साइन प्लस साइन इक्वल होता है टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 82 है, ठीक है जी, और प्लस करना है 8 से और डिवाइड करना है 2 से, और इनटू इनटू कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 82 और माइनस बीटा की वैल्यू 8 और डोमिनेटर में है 2, सही है जी बेटा। अब इक्वल करते हैं तो जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोस था ऊपर, तो 82 प्लस 8 करें तो कितना हो गया 90 डिवाइड में 2 है इनटू साइन, अब जरा देखिए यहाँ पे 82 माइनस 8 किया तो ये कितना आ गया 74, ठीक है जी, और डोमिनेटर में इसके 2 है, उसको 2 ऐसे कैसे रहने दें, और ये डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये 2 है साइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये 82, तो भाई 82 प्लस 8 करेंगे तो अगेन 90/2 इंटू 89 माइनस 8 करेंगे तो ये 74 हाफ आ जाएगा, तो बिल्कुल उसी की तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट किया, ये 2 से 90 कैंसिल आउट किया तो कोस 45 आ जाएगा इंटू 74 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 37, तो साइन 37 डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में जरा देखें साइन 90 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 45 हो जाएगा एंड कोस 74 तो 74 डिवाइडेड बाय 2 तो अगेन 37 ही आ जाएगा। यहाँ ये काम करने से हमारे पास क्या होगा, अब जरा वो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको ये पता होगी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कोस 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 और साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 से जी बेटा, और इसके अलावा ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 37 यू का यू रहा और कोस 37 यू का यू रहा, बेसिकली दोनों वैल्यू सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो साइन 37 अपॉन कोस 37 आ चुका है, तो अगेन यहाँ पे ये वाली बात पता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा के। तो भाई ये साइन अपॉन कोस है, साइन अपॉन कोस है इक्वल हो जाएगा टेंजेंट के। सही जी बेटा, साइन अपॉन कोस इक्वल टू टेंजेंट। तो यहाँ पे हम टेंजेंट लिख देंगे, यहाँ पे थीटा था तो थीटा आ गया, यहाँ पे एंगल क्या लिखा है 37, तो हमारा 37 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया था, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ गई है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। बहुत शुक्रिया, प्रूव हो गया हिंस प्रूव, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज आवर आंसर इज प्रूव। तो हमारा आंसर यहाँ पे आगे प्रूव हो चुका है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर इसी के जैसा है, आप खुद करने की कोशिश करें वरना मैंने सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है जी, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 2 करा रहा हूँ और फिर पार्ट नंबर 1 पे जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, कोस 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाय कोस 11 माइनस साइन 11 इक्वल टू टेंजेंट 56। सही जी बेटा, बेटा ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है शो डेट, यानी कि दोनों चीजों को प्रूव करके बताओ कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे और ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड जब आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, वेरीफाई हो गया, आंसर आ गया। बेटा जैसे ही हम लोगों ने ये काम किया तो भाई सबसे पहले जो यहाँ पे हमने काम करना है ना, वो ये करना है कि भाई इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज ये नोट करेंगे कि भाई मैंने आपको बताया था कि सम इनटू प्रोडक्ट वाले फार्मूला यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है ना, वो पेज कहाँ गया ये लिखा हुआ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोस प्लस साइन और कोस माइनस साइन ये नहीं मिलेगा, साइन 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 कोस 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 मिल रहा है, एक बार प्लस में माइनस में, एक बार प्लस में माइनस में। तो भाई कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन नहीं मिल रहा, तो भाई इसका मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर जाके हम ये फार्मूला यूज कर सकेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला बेसिकली हमें ये कहता है कि भाई कोस थीटा इक्वल होता है साइन माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा को अगर एक्सप्रेस करूं यूजिंग दिस फार्मूला, ये रहा मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली ये एक फार्मूला, लेकिन इसका मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये फार्मूला निकला कैसे। साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको आप अल्फा बोल दें और इसको आप बीटा कह दें। तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ये फार्मूला, इसको इसको एक्सप्रेस करें इससे, तो जब भी आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा कोस थीटा के। तो यहां पे जरा देखिएगा इस फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं अपना काम निकालने के लिए, समझ रहे ना ये फार्मूला कैसे आया, ये बेसिक इसी से आया जो आपने पहले फार्मूलास पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप डायरेक्ट रेफरेंस देंगे। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जरा देखिएगा कोस थीटा था तो साइन माइनस 90 थीटा है, तो यहाँ पे कोस 11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 11 हो जाएगा एंड प्लस साइन 11 यू का यू ही रहा, डोमिनेटर में आ जाए कोस 11 लिखा है, तो कोस 11 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 11, साइन 11 मतलब कि कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस 11 जिस तरह थीटा है ये इक्वल हो जाएगा साइन 90 माइनस 11 के। समझ रहे ये चीज, थीटा है तो यहाँ पे थीटा मतलब यहाँ पे 11 है तो यहाँ एंगल 11 आ गया, या थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, इस चीज को समझ रहे, यही चीज बिल्कुल हमने पार्ट 1 में भी करनी है। अच्छा बेटा, फिर नीचे क्या लिखा है माइनस एंड साइन 11, अगर आपने ये काम कर लिया समझ लिया, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, बाकी का सारा काम वही है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, बस इस चीज को समझिएगा, मतलब इस ये चीज समझ ली तो हो गया काम। अब बेटा यहाँ पे जो चीज समझने की है, 90 माइनस क्या लिखा है 11, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये किया तो जरा देखिएगा 79 प्लस साइन 11 आ गया, डोमिनेटर में आ जाए तो साइन 79 माइनस साइन 11 आ गया। तो बेटा ये काम करने से, जैसे ही हमने छोटा सा काम किया सिंप्लीफाई किया, तो अब हमारे जो फार्मूलाज हैं साइन प्लस साइन साइन माइनस साइन, तो भाई साइन प्लस यानी कि पहला ये फार्मूला और दूसरा ये वाला फार्मूला, अब इन दो फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं इजीली, इनको यूज करते हुए देखिएगा हम अपना आंसर कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल किसके होता है, और फिर उसके बाद देंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल किसके होता है, तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टू साइन
अल्फा प्लस बीटा हाफ इनटू मल्टीप्लाई होता है ये कोस अल्फा माइनस बीटा हाफ से, फिर उसके बाद में साइन अल्फा माइनस बीटा होता है टू कोस अल्फा प्लस बीटा हाफ इनटू साइन अल्फा माइनस हाफ। ठीक है जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया। तो इन फॉर्मूलाज को इधर पुट करते हैं, तो चलिए जी आ जाए। तो प्लस ऊपर वाला है प्लस वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 79 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा। ठीक है जी, और ये हाफ में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये कोस से, तो कोस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 79 है माइनस यहाँ पे 11 है, डिवाइड में हाफ आ गया। फिर इसके डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हम यहाँ पे देखते हैं टू है साइन अल्फा साइन माइनस साइन बीटा, तो ये एक्सप्रेस इससे होगा, तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 79, बीटा की वैल्यू अगेन ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये प्लस हो गया और एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो ये वाला टू कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले साइन 79 प्लस 11 करें तो ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2। ठीक है जी, 2 ऐसी का सीधा। इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो चीज क्या है, ये प्लस की हो 79 प्लस 11 किया, तो ये 90 था, ये मैंने ये कर दिया, उसके अलावा 79 माइनस 11 करना, तो ये कितना हो जाएगा 68। तो भाई कोस 68 अपॉन 2 है। फिर डिवाइड में आ जाए, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, अगेन कोस 79 प्लस 11 करेंगे तो ये 90 हाफ हो जाएगा, और इनटू साइन 79 11 माइनस करेंगे तो ये 68 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, मजीद करते हैं बेटा, ये और ये कैंसिल आउट किया तो ये साइन 45 हो जाएगा, उसके अलावा ये और ये कैंसिल आउट करेंगे 334 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सॉरी ये लिखा हुआ है कोस 34 हो जाएगा। डोमिनेटर में आ जाए, तो डोमिनेटर में यहाँ पे कोस 45 आ जाएगा, ये और ये कटा और इसको काटेंगे तो साइन 34 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी बेटा, ये काम हो गया, तो अब जरा देखें कुछ चीज कैंसिल आउट हो रही है हमारे यहाँ पर, फिलहाल तो नहीं हो रही, तो बेटा यही हो रही, तो अभी जरा देखते हैं साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2, और इसके अलावा इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस 34, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से आंसर कुछ गलत आ रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये हो गया कोस साइन 45 और ये कोस 45 1/√2 ही होता है, दोनों वैल्यू सेम होती है साइन 34। तो भाई ये और ये कैंसल आउट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कोस 34 अपॉन साइन 34। ठीक है जी बेटा, जरा देखिएगा अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे हमारे पास आगे बच गया था cos 34 अपॉन sin 34। बेटा जब हम यहाँ पे आए तो जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा कि भाई cos अपॉन sin, ठीक है जी, cos थीटा अपॉन sin इक्वल होता है cot थीटा के। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका रेफरेंस लेते हुए, तो ये इक्वल हो जाए cot 34। तो भाई अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, क्या वो आ गया हमारे पास? नहीं भाई, अभी तक नहीं आया कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, उसको सोल्व किया कि राइट हैंड साइड आ जाए और हम बोलते हैं ये प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट 56 दिया है। अब क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है। स्टूडेंट एक रेफरेंस दे रहा हूं, जनरल फार्मूला एक और बता रहा हूं क्या, अब जरा देखिएगा बेटा, कोट थीटा इक्वल होता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा के। ठीक है जी, कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। बेसिक आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, अगर टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला, तो अगर आप इस चीज को इस फॉर्मूले में लगाएं, उसको एक्सपेंड करें, तो आप देखिएगा आपके पास कोट थीटा आएगा। तो ये जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ी थी अपनी एक्सरसाइज 10.1 के अंदर, तो देखिए कैसे काम आ रही है। तो अब हमने इस मतलब कि ये कॉमन हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला निकला वो कहां से निकला है, यहां से, कि अगर टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता तो उसको अगर मैं इसमें डाल के सॉल्व करूं तो मेरे पास कोट थीटा आएगा। तो भाई अब जरा देखिएगा इस फॉर्म को हम कैसे यहां पे यूज करते हैं। तो बेटा यहां पे हम जब आएंगे तो यहां पे बेसिकली कोट थीटा, ये कोट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो जाता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है कोट 34, तो कोट 34 इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस 34 हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा आ गया या 34 की जगह 34 आ गया। अब इसको करने से यहां पे क्या हुआ, इसको करने से हमारा आंसर प्रूव हो गया, कैसे, 90 माइनस 34, ठीक है जी, ये आ गया 56, तो टेंजेंट 56 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया
प्रूव बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है राइट लेफ्ट मतलब कि टेंजेंट 56 आया था, टेंजेंट 56 आप लोग लेके आ गए हैं। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा हम ये करेंगे, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है सिर्फ प्रैक्टिस 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 और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगर आप पेपर में करते करते यहां तक अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगर आपको कुछ आगे नहीं याद आ रहा, यहां तक आप तमाम स्टेप सही करते हुए आए, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा आधा इक्का मार्क्स काट देगा। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो फुल मार्क्स भी दे देगा, समझ रहे चीज को। तो ज्यादा परेशान मत होइएगा कि क्या होगा क्या नहीं। उसके अलावा मुझे लगता है आप काफी होशियार बच्चे हैं जब इतना नहीं सोच रहे। अल्लाह हाफिज़।